हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ, हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? जी हाँ, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। जी हाँ, वही यूपी पुलिस जिस पर कभी अखिलेश यादव की हुकूमत चलती थी। दरअसल समाजवादी पार्टी के ट्विटर संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सपा अध्यक्ष पुलिस मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान वह भड़क गए और उन्होंने पुलिस वालों की चाय तक पीने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने शक जताया कि उन्हें चाय में जहर देकर पिलाया जा सकता है। हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ। दरअसल पुलिस मुख्यालय में पहुंचने के बाद अखिलेश यादव कैंटीन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। सूचना मिलते ही ज्वाइंट सीपी पीयूष मोडिया अखिलेश यादव के पास पहुंचे और उन्होंने अखिलेश यादव को चाय का ऑफर किया तो अखिलेश यादव ने साफ इनकार कर दिया। हम आपने मंगाई, हम ए विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह बाहर ध्यान नहीं पीएंगे, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे तब आप ले लेंगे, प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ, नहीं नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए, हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए, हम अपनी पीजिए, अब कहाँ से बाहर से। वही पुलिस मुख्यालय से बाहर निकलने के बाद अखिलेश यादव ने पुलिस और सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार सच बोलने वालों को सजा दे रही है। अखिलेश यादव ने पुलिस वालों को बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। पुलिस प्रशासन उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें, अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। पुलिस प्रशासन से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। उन्हें नियम कानून न्याय से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। उधर अखिलेश यादव के पुलिस मुख्यालय पहुंचने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी। प्रशांत कुमार ने कहा कि अखिलेश यादव को मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी मामले की पूरी जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये जानने का, उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से जुड़े एक व्यक्ति मनीष जगन अग्रवाल को क्यों पुलिस ने डिटेन किया है। इस संबंध में उन्हें सभी बातें बताई गई कि उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ एक नामजद अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ दो अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनको ये भी जो विभिन्न धाराएं उन अभियोगों की हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया। इससे पहले पुलिस ने अभद्र टिप्पणी मामले में सपा ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा काट दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम आपने मंगाई, हम ए विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह बाहर ध्यान नहीं पियेंगे, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे तब आप ले लेंगे, प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ, नहीं नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे।
हम बाहर से मंगा लेंगे, चाहे आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए, अब खाने से नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।